अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्ताब अहमद नासर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता होना चाहिए। तो इससे पहले आप मेरा जो इससे प्रीवियस लेक्चर है 8 चैप्टर 8 पे जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप लाजमी देखें। उसमें ग्राफ के बारे में बताया गया है कि इसको किस तरह से, इसमें क्या क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, रीजन होता है, तो वो सारा सिनेरियो आप जरूर देखें। चले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमने देखना है जी एक्स इज इक्वल टू 2 जो है इसको ग्राफ पे किस तरह से ड्रा किया जाता है। सबसे पहले एक ग्राफ है ना, जो उसके अंदर हम जानते हैं एक वाई एक्सिस होता है और दूसरा एक्स एक्सिस होता है। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है। हम जानते हैं कि ये जो हमें जिधर इंटरसेक्ट किया गया है, इसको काटा गया है, ये 0 0 पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5 -1 -2 -3 -4। जी डियर स्टूडेंट, ये स्नैलियो हमारे पास होता है और मैंने बड़े वजाहत के साथ बताया कि ये किस तरह से होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हॉरिजेंटिकली, हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू नहीं है। अगर फर्ज कर लें कि मैं इधर कहता हूँ पुट वाई इज इक्वल टू 0, वाई 0 पुट करता हूँ तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? तो अगर मैं वाई 0 पुट करता हूँ तो मुझे एक्स की वैल्यू 2 ही मिलेगी, क्योंकि वाई तो इधर है ही नहीं। तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी कि एक्स की वैल्यू 2 मिली जब हमने वाई पुट किया, ठीक है। अब मैं ऐसे कह देता हूँ कि वाई अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे फिर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? तो सिंपल है, एक्स की वैल्यू 2 ही मिलनी है वाई 1 पुट करने से। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ वाई की वैल्यू -1 पुट कर लेता हूँ तो फिर भी मुझे वाई की वैल्यू -1 पुट करने से आंसर 2 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स है, वाई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसकी वैल्यू पे फैक्ट नहीं बना, 2 ही आता जाएगा। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये बनी कि मैंने सबसे पहले मुझे एक्स 2 मिला जब वाई 0 था, वाई 0 था तो मुझे एक्स 2 मिल गया, ठीक हो गया। एक्स की और वाई की दोनों की पॉजिटिव है। जब मैंने वाई वन पुट किया तो मुझे एक्स की वैल्यू 2 ही मिली। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 ही मिली जब वाई 1 था, तो इसका मतलब ये सिनेरियो कुछ इधर आ जाता है। अब इसी तरह जब वाई -1 पुट करते हैं तो फिर भी 2 मिलता है। तो वाई -1 है ये और 2 ये है, तो इसके बिल्कुल सामने इधर, तो ये इस तरह का सीन बन जाएगा। तो ये ऐसे एक लाइन हमें नज़र आ रही है कि इस तरह का सिनेरियो ही बनना है। एक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी, वाई की जौन सी मर्जी आप पुट कर लें तो इसका ग्राफ ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका, अब ये जब दो एक्स और वाई दोनों आएंगे तो ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो जब आगे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें कहता है एक्स इक्वल टू -3। तो सबसे पहले वही काम, हमने एक्स दिया गया है, वाई की कुछ वैल्यू पुट करते जाएंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमारे पास है जी एक्स, इधर हम वाई की ऐसे करते हैं कि पुट वाई इज इक्वल टू -0, वाई 0 पुट करते हैं। जो वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स जो है -3 रहेगा, एक ये पॉइंट बन गया। फिर हम ऐसा करते हैं वाई को हम रख लेते हैं 1, वाई 1 भी पुट करें तो वो -3 और वाई हमारे पास 1 पुट करने से -3 ही रिजल्ट आता है। अगर हम ऐसा करें कि इसके अंदर हम वाई को 2 पुट कर लें, फर्ज करें 2 पुट किया है तो वाई 2 करें, 3 करें, 4 करें, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -3 आएगा जब आपने वाई 2 पुट किया। तो हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमारे पास 1 2 3 1 2 और 3 -1 -2 और -3 -1
माइनस टू और माइनस थ्री। अब क्या सिनेरियो था, माइनस थ्री मिला जब ज़ीरो पुट की, तो माइनस थ्री हमें एक्स में यहाँ पर मिलता है जब ज़ीरो पुट किया, तो इसके बिल्कुल ऊपर ऐसे लगा लेंगे। फिर माइनस थ्री मिलता है जब हम वन पुट करते हैं, तो वन पुट वन प्लस का किया, वन प्लस का किया तो फिर भी माइनस थ्री मिला, तो इसका मतलब इसके इसके बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल सामने इधर ये आ गया। फिर टू पुट करने से फिर माइनस थ्री मिलता है, तो टू पुट किया फिर भी माइनस थ्री मिला, तो इसके बिल्कुल सामने। तो ये सिनेरियो कुछ इस तरह का बिल्कुल वर्टिकली वाई के वर्टिकली आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लाइन बनी इसको हम कह सकते हैं जी ये एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री है, और इसी तरह ये भी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू टू है, ये एक्स इज इक्वल टू का ग्राफ बन गया। चलिए नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में हमारे पास है वाई, y माइनस वन। अब y माइनस वन दिया गया है, अगर हम पुट कर लें या ऐसा करें कि जो y है इसको हम y को हम रख लेते हैं f ऑफ x, ठीक हो गया, तो y की जगह आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन। अब हम x वन पुट करते हैं, तो इसका मतलब ये इस किसके इक्वल है y के, अगर हम इसमें पुट करते हैं x जो है वो ज़ीरो पुट करते हैं, अगर इसमें ज़ीरो x पुट करते हैं तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, इसमें ज़ीरो पुट किया ना f ऑफ ज़ीरो कर लें तो हमें इक्वल में क्या मिलता है माइनस वन, मतलब हमने x को ज़ीरो पुट किया हमें क्या मिल गया माइनस y माइनस वन, x ज़ीरो पुट किया और y में मिल गया माइनस वन। इसी तरह हम पुट करते हैं जी x को वन पुट करते हैं, तो इधर हमारे पास f ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमें x जो है वो 1 पुट करने से y माइनस वन मिल गया, ये सिनेरियो है। अगर हम ऐसा करें कि अगेन इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस वन, अगर हम इसमें x इसकी जगह माइनस वन पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है f ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन पुट करने से माइनस वन ही रिजल्ट मिलता है। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं, ये x एक्सिस, ये y x प्राइम y प्राइम, तो ये वन टू थ्री, ये सबसे पहला सिनेरियो क्या था, जीरो पुट करने में माइनस वन मिला, तो जीरो इधर है और माइनस वन किधर मिला है y में, तो y इधर है, इसके ऊपर ऐसे लगा लेते हैं, ठीक हो गया। फिर माइनस वन पुट करने पे माइनस वन, तो वन इधर एक्स का वन, ये फर्स्ट वाली एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड वाली वाई वैल्यू होती है, तो एक्स वन ये और माइनस वन बिल्कुल इसके सामने ऐसे, पहला ये पॉइंट और दूसरा हमें ये मिल गया। फिर माइनस वन पुट करने पे माइनस वन, तो माइनस वन ये है और माइनस वन ये है, तो इसके बिल्कुल सामने ऐसे हमें मिल गया, ये थोड़ा सा इधर नीचे आ जाए तो ये बिल्कुल ऐसे सिनेरियो बन जाएगा, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब हमारे पास वो एक सिनेरियो नहीं है कि स्केल इधर यूज नहीं कर, इस वजह से इसको इधर ही इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज इक्वल टू थ्री, तो हमारे पास है वाई इज इक्वल टू थ्री, तो वाई को हम लेट कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स एक मशीन बना लेते हैं कि इसमें कुछ इनपुट देंगे उसको तो वो हमें आउटपुट देगी, तो ऐसे मशीन बना लिया इसको हमने, तो ये y की जगह हम लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू थ्री। अब पुट कर लेते हैं इधर x ज़ीरो रखते हैं, तो हमें इधर f ऑफ x ये y होगा ना, तो y हमें मिलेगा इधर ज़ीरो पुट करने से थ्री, इसका मतलब x हमने ज़ीरो रखा y हमें थ्री मिल गया। इसी तरह हम पुट कर लेते हैं x को वन, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ वन, x की जगह वन रखा तो फिर भी थ्री मिला, तो इसका मतलब y हमें थ्री मिला, x वन रखा वाई थ्री मिल गया। इसी तरह हम इसमें पुट कर लेते हैं, पहले वन किया है तो अब इसमें माइनस वन पुट कर लेते हैं, तो माइनस वन इसमें पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, तो यहाँ पर हमें फिर भी थ्री मिलेगा, तो माइनस वन पुट करने से भी आंसर थ्री ही मिला, तो ये थ्री पॉइंट बन गए। आप इसमें ज़ीरो पुट करें, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी पुट करें,
तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वन टू, ये ठीक हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट हमें मिला कि ज़ीरो पुट करने से थ्री मिलता है, तो ज़ीरो इधर है, थ्री पॉजिटिव का मिला, मतलब फर्स्ट एक्स की वैल्यू, सेकंड वाई की, तो एक्स की तो इधर ही जब्त होगी, अब इधर रह गई तो इसके बिल्कुल सीध में इधर थ्री मिल गया। फिर कहता है वन पुट करने पर थ्री आया, वन भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स की वन ये और वाई की ये, तो बिल्कुल इसके सीध में आते, ये मिल गया। फिर कहता है कि माइनस वन पुट करने से थ्री मिला है, तो माइनस वन पुट करने, माइनस वन मतलब एक्स का माइनस वन पुट करना है, और थ्री किसका, वाई का, तो थ्री वो है, थ्री वाई पॉजिटिव है, तो इसमें बिल्कुल इधर की बात करता है इधर, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो ये मेरे पास इसका क्वेश्चन, इसका पार्ट फोर का ग्राफ है। इससे नेक्स्ट हमारे पास सेवन पार्ट इसका, बाकी सारे सेम हैं, आप खुद करेंगे, बड़े इजी हैं। तो सेवन में हमारे पास है वाई माइनस इक्वल टू थ्री एक्स। अब सिंपल, अब आपको ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि पहले हमारे पास वेरिएबल सिंगल था, अब डबल है, तो अब ज़्यादा समझ आएगी। तो इसमें पुट कर लेते हैं जी, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख लेते हैं। जब इसके अंदर एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखी, तो हमें आंसर क्या मिल गया, ज़ीरो। मतलब एक्स ज़ीरो पुट करने पर हमें आंसर भी ज़ीरो ही मिल जाता है। ये देखें ना, वाई की वैल्यू ज़ीरो आई जब हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखी। अब नेक्स्ट हमारे पास हम पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू जो है वो हमने वन रखनी है, एक्स की वैल्यू वन रखनी है, तो जिधर एक्स है क्वेश्चन के अंदर उसमें हम वन रख देंगे, तो हमारे पास वाई के आ जाएगा थ्री। एक्स वन रखने पे वाई हमें थ्री मिला, तो मतलब एक्स, फर्स्ट एक्स की वैल्यू और सेकंड हमारे पास वाई की वैल्यू, ऐसे लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने पुट करनी है जी एक्स की वैल्यू माइनस वन। अगर एक्स की माइनस वन पुट करें तो वाई इज इक्वल टू थ्री ऑफ एक्स माइनस वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री। इसका मतलब जब हमने एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी, तो हमें वाई की वैल्यू माइनस थ्री मिली। अब एक और पॉइंट भी ले लेते, ज़रा आसानी से समझ आएगी। तो अगर हम पुट कर लें, अपनी मर्जी है, जौन से मर्जी वैल्यू पुट करें, इससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। अब एक्स की वैल्यू हम टू पुट करते हैं जी, तो इसकी जगह लिखें जी वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू टू, तो ये आ जाएगा सिक्स। मतलब एक्स की जब वैल्यू हमने टू रखी ना, तो वाई हमें सिक्स देता है, मतलब एक्स की वैल्यू टू और ये सिक्स, एक पॉइंट बन गया। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फाइव, और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। ये ग्राफ तो आप आसानी से बना लेंगे ये। अब सबसे पहला पॉइंट देखें जी, सबसे पहला पॉइंट हमें मिला ये ज़ीरो ज़ीरो, जब आपने ज़ीरो पुट किया तो आंसर ज़ीरो आया, तो ये ओरिजिन की बात करता है इधर की, ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है जी वन पुट करने से थ्री, मतलब एक्स वन और थ्री, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये याद रखना है आपने। जब दोनों पॉजिटिव हों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इस जगह की बात करता है, इन दोनों को देखना है एक्स एक्स, तो इधर वन पुट करने पे थ्री मिलता है, तो वन एक्स पुट करने से हमें थ्री ये मिलता है, तो बिल्कुल इसके सीध में ऐसे, इधर वन और इधर थ्री के बिल्कुल ऐसे इक्वल। फिर कहता है कि माइनस वन पुट करें तो माइनस थ्री मिलता है, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता है, क्वाड्रेंट इस वजह से समझाया था कि आपको पता चल जाए, तो इसकी बात करता है, तो दोनों माइनस थ्री और माइनस थ्री, मतलब ये माइनस थ्री इस माइनस थ्री को पुट किया तो आंसर भी माइनस थ्री आता है, तो ये बिल्कुल इधर की बात करता है, ठीक हो गया। ये आप जब स्केल से लगाएंगे ना, बिल्कुल सीधा ऐसे बनेंगे। तो टू, अब फोर्थ पॉइंट है कि टू पुट करने सिक्स मिला, टू एक्स का पॉजिटिव इधर मिल गया और वाई का सिक्स पॉजिटिव वो इधर मिल गया, तो इसको बिल्कुल सीध में ऐसे ऐसे बिल्कुल इसे ऐसे बिल्कुल इसकी सीध में आपने ऐसे, तो ये एक हमें ग्राफ मिल गया। तो ये ग्राफ मिला
हमारे पास y इज इक्वल टू 3x, तो ये एक ग्राफ इसका मिल गया। तो ये हमने फाइंड करना था। इससे नेक्स्ट जो है वो बड़े इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है उसके अंदर, तो वो आप खुद करेंगे, बड़ा आसान काम है, बड़ा इसमें इजी है। तो यहाँ तक हमारा जो ग्राफ मैंने सिखा दिया किस तरह से करने हैं, फिर भी इसमें कोई कमी कोताही हुई तो ज़रूर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।